अस्सलाम वालेकुम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फ़ेसबुक का अकाउंट परमानेंटली डिलीट किस तरह से कर सकते हैं आप आपकी फ़ोटोज़ आपकी प्रोफाइल आपका मैसेंजर हर चीज़ ही परमानेंटली डिलीट हो जाएगी तो आपने ये प्रोसेस किस तरह से करना है आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से हमने फेसबुक ओपन की हुई है और यहाँ से हमने मेन्यू के बटन पर आ जाना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का हमने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा मोर इन अकाउंट्स सेंटर हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से हमने लास्ट ऑप्शन चूज़ करना है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल और यहाँ से हमने डीएक्टिवेशन और डिलीशन यानी कि सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ से हमने प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं इस वीडियो के अंदर तो हम डिलीट करने वाले तो हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें क्लियर बता रहा है कि हमारा अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह हमें दोबारा नहीं मिलने वाली तो हमने इसको डिलीट करते वक्त एहतियात लाजमी रखनी है तो हमने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये रीजन पूछ रहे आप कोई भी चूज कर दें तो हम यहाँ से पहले नंबर वाले चूज करके यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है हमने यहाँ से स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर, पर ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है और जो जो इसके साथ ऐप वगैरह लिंक थे सारी चीजें ये बता रहे हैं तो हमने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से हमसे ये फेसबुक का पासवर्ड मांगेगा और यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है अच्छा अभी यहाँ पर अभी मैंने एक बात आपको पहले नहीं बताई थी यहाँ से अगर हम अभी डिलीट कर देंगे तो हमारा अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा ठीक है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसके अंदर एक राज की बात यह है कि हमारा अकाउंट किसी को भी शो नहीं होगा लेकिन हमारा अकाउंट फेसबुक के पास अभी भी सेफ होगा तीस दिन के लिए ठीक है अगर आप फेसबुक डिलीट करने के बाद अगर आपका तीस दिन के अंदर अरादा बनता है कि आपको दोबारा से इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है तो हम दोबारा से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं दोबारा से एक्टिवेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होता है वो यही होता है कि हमने सिंपली दोबारा से फेसबुक के अंदर लॉग कर लेना होता है जैसे हम फेसबुक के अंदर दोबारा से लॉग करते हैं तो हमारा अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है दोबारा से चलने लग जाता है लेकिन अगर आप स दिन के अंदर इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा अभी मौके पे भी परमानेंट डिलीट जैसे ही है क्योंकि आपकी प्रोफाइल वगैरह आपकी तस्वीरें वगैरह किसी दूसरे बंदे को शो नहीं हो रही होंगी और ना ही आपको खुद को हो शो रही होंगी आपको सिर्फ तभी शो होंगी जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो जो तीस दिन का आप मैं आपको बता रहा हूँ कि तीस दिन के अंदर इसने डिलीट होना होता है तो तीस दिन के रिसट हो जाएगी यानी कि उसके बाद ये दोबारा से आपको डिलीट पर लगाना पड़ेगा तो यहाँ से हमने डिलीट अकाउंट कर देना है सो so, अभी हमारा फेसबुक का अकाउंट डिलीट हो चुका है परमानेंट लेकिन अभी मैं इसको लॉगिन करूँगा एक मंथ के अंदर तो हम दोबारा से इसकी एक्सेस हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर मैं इसको तीस दिन के अंदर लॉगिन नहीं करूँगा तो मेरा अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा सो so, आज की वीडियो में इतना ही अल्लाह हाफिज़